अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाने लगे हैं भिंडी। इस भिंडी में हमें चाहिए टमाटर, सब्ज़ मिर्च, देखिए मैंने दरमियान से कट लगा लिए इसको, ठीक है। ये भी हम भिंडी के साथ ही डाल देंगे, और ये प्याज है, ठीक है। ये क्वांटिटी आप अपने लिहाज से कर सकते हैं, ज़्यादा कम। किसी को भिंडी ज़्यादा पसंद है, किसी को उसमें प्याज ज़्यादा पसंद होते हैं, तो ये आप लोग अपनी मर्ज़ी के साथ। इसमें हम सब्ज़ मिर्चें भी डाल देंगे, और इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे, और फिर इसको थोड़ा सा फ्राई करके तो हम इनको निकाल लेंगे, और फिर इसका जो प्याज वाला मसाला है वो हम रेडी करेंगे। ये देखेंगे हमारी भिंडी जो है वो ऑलमोस्ट डन हो गई है, फ्राई जितनी हमें चाहिए थी। अब हम इसको निकाल लेते हैं एक प्लेट में, और फिर इसमें हम प्याज फ्राई करेंगे। ये देखें जी, ये निकाली हमने भिंडी, अब हम प्याज। इसी ऑयल में हम प्याज फ्राई करेंगे। ऑयल जितना कम होगा उतना ही हमारी सेहत के लिए ज़्यादा अच्छा है, तो कोशिश किया करें कि कम से कम ऑयल यूज़ करें। अब हम इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे, फिर इसमें टमाटोज डालेंगे। ये देखिए जी, प्याज हमारे थोड़े से ब्राउन हो गए थे, तो फिर हमने इसमें टमाटर डाल दिए थे, और साथ ही नमक मिर्च भी, और थोड़ी सी हल्दी मैंने डाल दी, ठीक है। ये सारे मसाले तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे ना। कुछ लोग ज़्यादा नमक मिर्च पसंद करते हैं, कुछ लोग बहुत लाइट, कुछ सॉफ्ट मिर्च पसंद करते हैं, कुछ नहीं करते, तो इसलिए, ठीक है। तो अब जब ये टमाटर जो हैं ये सॉफ्ट हो जाएंगे, और अपना पानी छोड़ के और मसाला सही तरह से तैयार हो जाएगा, फिर हम इसमें भिंडी डाल के तो इसको हम दम पे रख देंगे। और इतनी आसान है, तकरीबन 10 मिनट लगते हैं बस भिंडी पकाने में। तो टमाटर हमारे तकरीबन सॉफ्ट हो गए हैं, अब हम इसको दम पे रखेंगे तो ये और सॉफ्ट हो जाएंगे। इसमें अब हम भिंडी डाल देते हैं जो फ्राई करके रखी थी हमने। और बिल्कुल हमने इसको लो आंच पे दम पे रखना बिल्कुल, क्योंकि इसमें पानी वगैरह तो हमने डालना नहीं, तो इसलिए फिर इसको हल्की आंच पे दम पे रखेंगे। तकरीबन 5 मिनट दम पे रखेंगे हम इसको, ताकि भिंडी के अंदर नमक मिर्च सारी रच बस जाए, ठीक है। ये देखें जी, हमारी भिंडी बिल्कुल तैयार है, देखो माशाल्लाह से बिल्कुल रेडी है। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, और अच्छे अच्छे कमेंट्स भी नीचे किया करें, ठीक है। तो चलें जी, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज़।